गोरखपुर में रविवार को 24 घंटे के अंदर केवल 11 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके बाद से जिले में संक्रमितों का आंकड़ा 21,310 पहुंच गया है। इनमें 20,810 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि मौत की संख्या 354 हो गई है। वहीं जिले में एक्टिव केस की संख्या 146 रह गई है। इसकी पुष्टि सीएमओ डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने की है। रविवार को मिली कोरोना रिपोर्ट में शहर की बात करें तो 8 नए मरीज मिले हैं। इनमें सर्वाधिक 4 मरीज कोतवाली थाना क्षेत्र में मिले हैं, वहीं कैंट में 3 और शाहपुर थाना क्षेत्र में 1 मरीज मिले हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में मात्र 3 नए मरीज मिले हैं। इनमें खजनी में 1 और चरगावा में 2 मरीज मिले हैं। इसकी पुष्टि सीएमओ डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने करते हुए बताया कि जिन जगहों पर कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं वहां पर सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जा रहा है। साथ ही लोगों से विशेष सावधानियों को बरतने की अपील भी की जा रही है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, सामाजिक दूरी का करें पालन, अपने और अपने परिवार को बनाए स्वस्थ और सुरक्षित। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने बताया कि इस बीमारी से बचने के लिए विशेष सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि इसका वायरस ठंड में ज्यादा असर करता है। इसलिए लोगों को भीड़ भाड़ से बचते हुए मास्क का इस्तेमाल करना होगा। जब तक कोरोना की वैक्सीन सबको नहीं लग जाती, तब तक मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है।